आप सभी को नमस्ते। हम फिर हाजिर हैं कुछ नया सीखने सिखाने और कुछ पहले का दोहराने। अरे भाई, कहाँ खोई हो मोबाइल में, क्या देख रही हो? अरे शारदा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कुछ खास नहीं शारदा जी, बिटिया ने कुछ साड़ियों की फोटो भेजी है, बस वही देख रही थी। आप भी देखिए ना। अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी सुंदर साड़ियां हैं, खूब जचेंगी तुम पर। अरे ये तो आपकी नजर की बात है, सुंदरता तो देखने वाले की नजर में होती है। ये कही तुमने लाख रुपए की बात। अब लो, बात के भी दाम लगने लगे, वो भी पूरे लाख रुपए। इतने में तो मेरी मक्का बिकी है इस साल। ये देखिए, पर्ची अभी भी मेरे पास रखी है। दिखाओ। ये रही बिटिया की सुकन्या समृद्धि पासबुक, और ये रही मक्का को सोसाइटी मंडी में बेचने की पर्ची। अरे वाह, तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानती हो तुम? हाँ। अच्छा, मक्का में भी होते हैं लाखों दाने, कभी गिने हैं तुमने? ये भी कोई गिनता है भला? पास की मंडी में सैकड़ों लोग हजारों किलो मक्का लेकर खड़े रहते हैं ट्रैक्टरों और बैलगाड़ियों में। यही तो गणित है, सैकड़ों, हजारों और लाखों का। तो कैसे पता लगा कि सैकड़ों लोग थे और हजारों किलो मक्का बेचकर चले गए? और आप भी इस पर्ची को देखकर बताइए कि कैसे सैकड़ों लोग मंडी में आए और हजारों किलो मक्का बेचकर चले गए। ये देखिए मंडी की पर्ची, टोकन संख्या 232। इसका मतलब है कि मुझसे पहले भी सैकड़ों की संख्या में लोग थे। अरे वाह, तुम्हें तो पर्ची की पूरी जानकारी है। तो आपको भी पर्ची की पूरी जानकारी होगी। आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। तो कुल मक्का कितना था? आप भी हिसाब मिलाते जरूर चलिएगा। 80 क्विंटल। बिल्कुल सही, 1 क्विंटल में हुए 100 किलोग्राम, यानी 80 क्विंटल मतलब कि 8000 किलोग्राम। और मक्के के सरकारी रेट क्या है? 1870, यानी इस फसल से मेरी कुल कमाई हुई 149,600 रुपए की। और ये हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा है? अरे दीदी, वो तो मेरा मोबाइल नंबर है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। अरे रुको रुको, ये बहुत बड़ा नंबर है, इसे हम दो दो करके या एक एक करके पढ़ेंगे? जैसे कि 91 12 36 40 03 00। लेकिन रुको, इसमें कुछ गड़बड़ लगता है। देखूं तो जरा, इसमें तो 12 अंक है जबकि मोबाइल नंबर में सिर्फ 10 अंक होते हैं। सही कहा तुमने। मेरा नंबर है 91 12 36 40 03। आखिर के 2 शून्य ज्यादा है इसमें। ज्यादा है। और अब चूंकि हम अंकों को देख रहे हैं और उन पर बात कर रहे हैं, तो आइए पता करते हैं हमारे आसपास क्या क्या नंबर और कौन से नंबर मौजूद हैं। जैसे हमारी महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, या फिर बैंक में खाता नंबर 5612364।
या फिर घर के पते वाला पिन कोड 480661, या फिर गाड़ी नंबर 5622, या फिर दिल्ली जाने वाली ट्रेन 211181। ओ, तो इस बार राजधानी घूमने गई थी आप। वाकई आज अंकों को अपने रोजमर्रा और आसपास के कामों में ढूंढकर हमें बड़ा मजा आया। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया और ये भी समझ आया कि किस तरह बड़ी संख्याओं और अंकों को पढ़ते हैं। हमने सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक में रखी मक्के की पर्ची के विषय में तो समझ लिया, लेकिन क्या आपने सुकन्या समृद्धि बैंक योजना के विषय में जाना है, जिससे आपकी बिटिया लखपति बन जाएगी, जैसे मक्के की फसल को बेचकर ये लखपति बन गई। तो आज ही अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पता कीजिए। तो अब हम चलते हैं, अगली बार आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।